till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah. Hello guys, क्या हाल है मेरे जिगर के चाहने वालों? दोस्तों आज हम आए हैं गाजियाबाद राजनगर एक्सटेंशन में मिस्टर भटूरे वालों के यहाँ पे। भाई साहब दिल्ली NCR में सुबह का नाश्ता, और वही भटूरे के साथ ना हो भाई साहब नाश्ता ही क्या। बाकी अब हम आए हैं ब्रेकफास्ट करने मिस्टर भटूरे वालों के यहाँ पे। इनके चर्चे बहुत दूर दूर लोग तक हैं, बाकी चलते हैं लेते हैं और यहाँ का टेस्ट हम आप तक पहुँचाते हैं। आइए हमारे साथ आइए। हाँ जी गाइस, आ गए मिस्टर भटूरे वालों के मैनेजर के पास, बात करते हैं। हेलो सर। हेलो, क्या नाम है सर आपका? सूर्यकांत अवस्थी है सर। सर आपने मिस्टर भटूरा नाम तो बड़ा प्यारा सा रखा है। बहुत प्यारा नाम है सर जी, सर ने रखा हुआ है हमारे। मतलब बिल्कुल अलग सा नाम है, यूनिक से नेम है। तो सर आपके पास कौन कौन सी वैरायटी है? हमारे पास सर भटूरे मिलेंगे आपको, पूरी भाजी मिलेगी, राजमा चावल, कढ़ी चावल, छोले चावल, पालक पनीर चावल, छोले चावल, पालक पनीर, नमकीन लस्सी, मीठी लस्सी, छाछ, गुलाब जामुन वगैरह सारे आइटम होते हैं। मतलब नाम मिस्टर भटूरा है लेकिन भटूरे में सब भी समा रखा है, सारे आइटम, सब आइटम है। तो भैया इसके टेस्ट के लिए हमें आना का पड़ेगा? आपको आना पड़ेगा राजनगर एक्सटेंशन सर, किसी से पूछ लेना, बच्चा 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 जानता है, गूगल पे सर्च करेंगे आप आ जाएंगे। इसके अलावा हमारी और भी दुकानें हैं। कहाँ कहाँ पे? 122 में मिस्टर रोटरा 122, जहाँ से ही मिस्टर रोटरा स्टार्ट हुआ है। अच्छा कहाँ से? सॉरी, सेक्टर 122 नोएडा। नोएडा सेक्टर 122 से, मतलब वहाँ से स्टार्ट हुए हैं? वहीं से स्टार्ट हुआ। इसके अलावा 141 में हमारी एक दुकान है जी, और देहरादून में भी है सर। देहरादून में झारखंड में सर। तो आज हमारे लिए क्या लगाने वाले हैं? भटूरे ही भटूरे हैं, जो आप बताएंगे भटूरे तो लग जाएंगे। वही वाह, हम भटूरे खाएंगे मिस्टर भटूरे वालों के। मैं कह रहा हूँ भाई आप दिल्ली NCR में रहते हैं और आप भटूरे का नाश्ता नहीं कर रहे तो आप क्या कर रहे हैं? सही कहा बॉस। तो बाकी हम फुल रेसिपी हम शुरू से लेके एंड तक दिखाएंगे, वीडियो को स्किप मत करना। मैं कह रहा हूँ देखते देखते ना आपके घर बैठे बैठे मुझे दाल टपकती रहेगी, ऐसे बेहतरीन भटूरे हैं। सही कहा बॉस। बिल्कुल बिल्कुल। और भैया प्राइस क्या होने वाला है भटूरों का? 110 रुपए प्लेट है। बाकी गाइस चलते हैं, प्राइस तो हमें थोड़े ज्यादा लग रहे हैं। देखो ना ना, ज्यादा नहीं है सर, प्राइस बिल्कुल ठीक है, इससे ज्यादा। अच्छा प्राइस बिल्कुल ठीक है, नहीं जैसे कि कम होंगे हर जगह से। अच्छा अच्छा, हर जगह से हमारे रेट कम। अच्छा आपके जो हमारे स्तर पे भटूरे जहाँ जहाँ बिक रहे हैं वहाँ से हमारे रेट कम है और टेस्ट हमारा बढ़िया रहे। अच्छा बाकी हम टेस्ट करके बताएंगे और यहाँ का एक्सपीरियंस हम आप तक पहुँचाएंगे, वीडियो को एंड तक देखना। थैंक यू सर। तो गाइस हमारी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो चुकी है, ये आगे इनके छोले। भाई वाह, आप देख सकते हैं भाई साहब देखते ही मजा आ गया। ये आ गया इनका हींग का पानी। वही वाह, ये ऑयल आ गया। भाई साहब ऐसे हो जाने वाले हैं छोले मजेदार, एक वाइट खाओगे ना बिल्कुल लपेटू छोले हैं, लपेटू छोले। अब ये ढंग से तैयार नहीं हुए, खुशबू इतनी अच्छी है अभी से आने लगी है, मन कर रहा है कच्चे ही खा जाए। तो गाइस ये हमारी भटूरों की प्रोसेसिंग स्टार्ट हो चुकी है, ये बनाई भैया ने लोई, अब ये बेल दिया भटूरे। भाई वाह, ये आया ऑयल में, एक बार आप ऑयल पे नजर डालिए कितना साफ ऑयल है, मतलब ऐसे नहीं कि काला हो गया, काला होते ही चेंज कर देते हैं, मतलब हर घंटों में ऑयल चेंज करते रहते हैं ये, और बहुत साफ सफाई कभी से ध्यान करके चीजें बनाते हैं ये। आप देख सकते हैं भटूरों का साइज देखिए आप, ओए ओए भाजा बिल्कुल गोलगप्पों की तरह कर दिए। बाकी चलते हैं खाते हो, यहाँ का टेस्ट हम आप तक पहुँचाते हैं, हम पे नहीं रुका जा रहा, इतने बेहतरीन भटूरे देख के। तो गाइस फाइनली आ गई हमारी प्लेट, पहले बार इनके भटूरे पर नजर डालिए कैसे गोलगप्पों का साइज है, बिल्कुल मतलब बिल्कुल जीरो ऑयल है, जीरो ऑयल। एंड गाइस पहले बार इसकी प्लेट पर नजर डालिए, इस प्लेट को देख के ना हमारी पुरानी यादें ताजगी हो गई है, क्योंकि पहले हम ऐसी पत्ती वाली प्लेट में खाने का ना मजा कुछ अलग ही होता था, लेकिन अब सब जब से डिस्पोजल आ गई है ये बेचारी गायब ही हो गई है, लेकिन मिस्टर भटूरा वालों ने इस चीज का विशेष ध्यान करके ये प्लेट लाए हैं, क्योंकि इसमें प्लेट में खाने का मजा ही कुछ अलग है।
बाकी हम लेते हैं अपनी बाइक और खाते हैं, यहाँ का टेस्ट हम आप तक पहुँचाते हैं। तो गाइस खाते हैं यहाँ का टेस्ट हम आप तक पहुँचाते हैं। ये लिए हमने वाइट, ये आ गए इनके लपेटू छोले, वही वाह, ये आ गई है हरी चटनी, ये रखी थोड़ी सी प्याज, भाई साहब जाएगा पूरा बनाएंगे मिस्टर भटूरों वालों के यहाँ पे। भाई जी एक नंबर, भाई बेहतरीन छोले भटूरे लेने से पहले मैं सोच रहा था प्राइस को देख के पता नहीं कैसे होंगे इतने ज्यादा प्राइस है, लेकिन 110 रुपए की प्लेट है और पैसा बिल्कुल फुल वसूल है। अगर आपको इस जगह का आनंद उठाना है तो आपको आना पड़ेगा राजनगर एक्सटेंशन में मिस्टर भटूरे वालों के पास, मेरा टेस्ट ऐसा है एक नंबर। बाकी ये आगे इनकी मसाला लस्सी आप देख सकते हैं, वही वाह ठंड पै गई मजा आ गया, आज का दिन भर गया, मतलब हमने भटूरे बहुत जगह खाए हैं लेकिन जो मिस्टर भटूरे वालों का टेस्ट है ना वो एक नंबर है, एक नंबर। अगर आपको इस जगह का आनंद उठाना है तो आपको आना पड़ेगा राजनगर एक्सटेंशन में, बच्चे बच्चों से पूछ लेना हमें मिस्टर भटूरे वालों के पास जाना है, बच्चा बच्चा आपको इनके पास छोड़ के जाएगा। और बाकी यहाँ का नंबर और यहाँ का एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आ रहा होगा, तो आप आना खाना और यहाँ के जायके का आनंद उठाना और हमें कमेंट में बताना कि आपको कैसा लगा। बाकी हमारी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलना। थैंक यू गाइस, राधे राधे। हाँ जी गाइस, हमने तो खा लिए इनके छोले भटूरे, मिस्टर छोले भटूरे वालों के, मैं कहूँ टेस्ट ऐसा बेहतरीन, थोड़े कॉस्टली है लेकिन टेस्ट ऐसा है जबरदस्त। बाकी यहाँ का ऑनेस्ट कस्टमर भी हम आप तक पहुँचाते हैं, भाई से बात करते हैं। हेलो भाई। हेलो भाई, क्या नाम भाई आपका? भाई मेरा नाम नीत त्यागी है। भाई आप कब से आ रहे हैं यहाँ पे? भाई मुझे 1.5-2 महीने हो गए हैं आते हुए यहाँ। तो कैसा लगा आपको टेस्ट? भाई टेस्ट तो बहुत अच्छा है, सच कहता हूँ जी। प्राइस को मत देखो, टेस्ट को देखो जी जी, जब टेस्ट मिलता है ना तो प्राइस की कोई बात ही नहीं होती जी। और मैंने जब भटूरे खाए मुझे लगा भटूरे बिल्कुल ऐसे ही जीरो ऑयल, ऑयल ये देखिए ना जरा सा भी कुछ है ही नहीं है हमारे जी जी। हाँ जी बॉस, आप कब से आ रहे हैं? भाई मैं इनके बड़ा इन्होंने मुझे 1.5-2 महीने पहले बताया था, आया था लेके आया था साथ, तो जब से तो मैं हर हफ्ते में एक दो बार आ जाता। अच्छा एक दो बार आ जाते, मतलब इतनी दीवानगी भटूरों की, बढ़िया हो गए जी। और हमने सुना है कि इनकी और भी ब्रांचें हैं नोएडा में, दिल्ली में, गुड़गांव में। ये भी पहला फ्रेंचाइजी है, ये वैसे कोई दुकान नहीं है, फ्रेंचाइजी है जिसने ये रहा। अच्छा यार, लेकिन नाम बहुत प्यारा है इनका, मिस्टर भटूरे वाले। और सर आपका तो भैया आप कब से आ रहे हैं यहाँ पे? भाई मुझे भी 1.5-2 महीने हो गए। तो भैया आपने भटूरे के अलावा और क्या क्या आइटम टेस्ट करा यहाँ का? मैं तो भाई भटूरे और मसाला लस्सी पीता हूँ बस, मतलब एक नंबर है। हाँ एक नंबर बेहतरीन। तो और बाकी मैंने कुछ टेस्ट नहीं किया, ये किया ये मुझे अच्छा लगा जी। तो हमारी ऑडियंस को फुली रिकमेंडेड करोगे कि आए वे खाएं? हाँ एक बार जरूर आके टेस्ट करें आके जी। तो अगर हम इन्हें रेटिंग दे 10/10 कितना दोगे आप? मैं तो 10/10 दूंगा भाई। और ब्रो आप? भाई मैं भी 10 दूंगा। यहाँ एक मेन बात ये, मतलब एक तो यहाँ फिटिंग का अरेंजमेंट भी इन्होंने बढ़िया कर रखा है जी, ऐसे यहाँ का जैसे छोले किसी को चाहिए होते हैं तो दोबारा सर्व कर देते हैं जी। और बाकी ये चटनी मतलब बिल्कुल हाइजीन वाला मैटर है, बिल्कुल बेहतरीन, कोई ये नहीं कि तेल है या गंदी। ये प्लेट देखो अभी वो वाली प्लेट है, ये वाली प्लेट पत्ते वाली पत्तल वाली, हां ये यूज एंड थ्रो वाली है, मतलब खाओ ये चली जाएगी जी जी। वो नहीं कि प्लास्टिक की प्लेट साफ करके दुकान वाले दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बढ़िया है जी। और बैठने का भी अच्छा अरेंजमेंट है जी। तो गाइस आप भी आना एक बार राजनगर एक्सटेंशन में, मैं कह रहा हूँ किसी से पूछ लेना, बच्चा बच्चा आपको यहाँ छोड़ के चला जाएगा। और भटूरों का टेस्ट ऐसा है एक नंबर, एक नंबर। बाकी खाना हमें कमेंट में बताना कि आपको कैसा लगा। हमारी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना और भूलना। थैंक यू गाइस, थैंक यू भैया जी, थैंक यू सर।